नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल डेरा सच्चा सौदा के कैथल स्थित आश्रम में श्रद्धालुओं की चहल पहल फिर से शुरू। चुनाव के मद्देनजर लोगों को डेरे के अंदर आते देख के और उनकी सक्रियता पर अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। डेरा सच्चा सौदा के कैथल स्थित आश्रम में श्रद्धालुओं की चहल पहल फिर से शुरू हो गई है। चुनाव के मद्देनजर लोगों द्वारा डेरे में सक्रियता को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के कैथल स्थित आश्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखा गया। राम एक खुशबू आश्रम के नाम से जुड़े सुशील केवडक और राजेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 29 अप्रैल 1948 को डेरे की स्थापना हुई थी। पूरा महीना डेरे में स्थापना दिवस के रूप में कार्यक्रम होता है और इसे मनाया जाता है। संत गुरमीत राम रहीम ने 133 मानवता भलाई के काम चलाए थे, अब 134वां इसमें शामिल किया गया है, जिसमें प्रदूषण को रोकना एक बड़ी कार्रवाई शामिल है। 25 अगस्त 2017 के बाद में संगत मानवता भलाई का कार्य लगातार कर रही है और सतगुरु की रहमत से ब्लड डोनेट का काम भी चल रहा है। डेरे की तरफ से राजनीतिक तौर पर किसी तरह का कोई समर्थन नहीं किया जाता और न ही कोई संदेश दिया जाता है। संगत की राय लेकर के राजनीतिक विंग आदेश जारी करता है। भला करना ही गुरु ने सिखाया है। संगत की राय ली जा रही है इस समय और समय के अनुसार ही डेरे की तरफ से कोई संदेश दिया जाएगा। राजनीतिक संबंध में गुरु राम रहीम की तरफ से कोई संदेश इस समय नहीं दिया जाता। डेरे में सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तरफ से आस्था रखते हुए यहाँ आते हैं। मानवता भलाई के कार्यों को करते हुए संगत ये स्थापना दिवस बढ़ चढ़ के मना रही है, इसलिए ये भारी भीड़ इस समय आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। दरबार में राम खुशबू आश्रम में जो संगत आई हुई है, ये हम स्थापना दिवस मना रहे हैं जी। 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी और वो हम हर साल अप्रैल महीने में पूरा महीने खुशी से मनाती है संगत, मानवता भलाई के कार्य करती है। तो इसी तरह आज भी कैथल दरबार में ये जो भंडारे का और संगत की सेवा का, उसके लिए आज जो हमारी कैथल दरबार में संगत आई हुई है जी, सतगुरु की रहमत से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमारे जो रायबर हैं, कुल मालिक हैं, उन्होंने 133 मानवता भलाई के कार्य ऑलरेडी चलाए हुए थे जी, और एक कार्य और उसमें अभी जो गुरुजी अभी गए हुए हैं वहाँ से एक कार्य और उसमें जोड़ा है। जो 134वां मानवता भलाई का कार्य है उसमें गुरुजी ने वचन किए कि प्रदूषण नहीं फैलाना और फैलाने से रोकना है। ये 134वां कार्य है मानवता भलाई के कार्यों में गुरुजी ने जोड़ा है और संगत उसका अनुसरण कर रही है जी। जैसे पहले मानवता भलाई के कार्य करते थे, इसी तरह 25 अगस्त 2017 के बाद भी संगत इसी तरह मानवता भलाई के कार्य कर रही है जी। खून दान करना, किसी गरीब की लड़की की शादी करना और किसी तरह की भी 133 कार्य है, जैसे बल डोनेट करना। बल डोनेट के बारे में गुरुजी ने एक दिन वचन किए थे कि खून दान किया हुए आप किसी की जान बचा सकते हैं, और अभी भी अभी कुछ दिन पहले गुरुजी के जाने के बाद एक बल्कि भाई पुलिस वाला भाई कहने लगा कि भाई अभी भी क्या तुम खून दान करते हो? हमने जवाब दिया, हम ये डेरा में थे, कि भाई जो मानवता भलाई के कार्य पहले करते थे आज भी हम वही कार्य चला रहे हैं। सतगुरु की रहमत से ज़्यादा जितना बढ़ पाता है वो कार्य मानवता भलाई के इसी तरह कर रहे हैं, यही सतगुरु की शिक्षा है जी। तो फिर हम गर्भवती बहन थी, उसके उसमें खून दिया, उसकी डिलीवरी हुई, तो वही इसी तरह ऐसे कार्य चला रहे हैं जी। जैसे कि